फ्रेंड्स स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब HRI में। फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको पर्यावरण के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है, जीवोम कहलाता है ए पारिस्थितिकी, बी आहार श्रृंखला, सी पारिस्थितिकी तंत्र, डी पर्यावरण। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर है पारिस्थितिकी तंत्र। क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला ठीक है ए घास, भेड़िया, हिरण, भैंस, बी जीवाणु, घास, खरगोश, भेड़िया, सी घास, कीट, चिड़िया, सर्प, डी घास, सर्प, कीट, हिरण। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी घास, कीट, चिड़िया, सर्प। क्वेश्चन नंबर तीसरा, इकोसिस्टम में ऊर्जा का स्रोत है ए सूर्य का प्रकाश, बी ATP, सी DNA, डी RNA। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए सूर्य का प्रकाश। क्वेश्चन नंबर चौथा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है ए 8 अक्टूबर, बी 5 जून, सी 22 फरवरी, डी 18 मई। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 5 जून। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर पांचवा, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार वनाच्छादित क्षेत्र कितना होना चाहिए ए 23%, बी 32%, सी 33%, डी 43%। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी 33%। क्वेश्चन नंबर छठवां, नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है ए कोयला, बी प्राकृतिक गैस, सी लौह अयस्क, डी वन। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी वन। क्वेश्चन नंबर सातवां, विश्व में सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त की जाती है ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी विद्युत, डी लकड़ी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी कोयला। क्वेश्चन नंबर नौवां, रेगिस्तान मरुभूमि के प्रसार का क्या कारण है ए वनों की कटाई, बी भूमि कटाव, सी अत्यधिक वर्षा, डी वायु प्रदूषण। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए वनों की कटाई। क्वेश्चन नंबर दसवां, ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र कहाँ पाया जाता है तो ए अंटार्कटिका, बी हिमालय, सी ऑस्ट्रेलिया, डी ग्रीनलैंड। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए अंटार्कटिका। क्वेश्चन नंबर ग्यारहवां, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है ए CO2 गैस, बी CH4, सी CFC गैस, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए CO2 गैस। क्वेश्चन नंबर बारहवां, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है ए 19 जुलाई, बी 6 अक्टूबर, सी 15 जुलाई, डी 22 अप्रैल। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है डी 22 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर तेरहवां, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई है ए वाट, बी जूल, सी डेसिबल, डी कैलोरी। तो इसका राइट आंसर है सी डेसिबल। क्वेश्चन नंबर चौदह, अंतर्राष्ट्रीय जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है ए 1 दिसंबर, बी 22 मार्च, सी 20 दिसंबर, डी 22 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर है बी 22 मार्च। क्वेश्चन नंबर पंद्रहवां, प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है ए मानव, बी जंतु, सी हाइड्रोकार्बन गैस, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए मानव। क्वेश्चन नंबर 16, बाघ परियोजना कब और कहां प्रारंभ हुई ए 1 अप्रैल 1973, कार्बनेट नेशनल पार्क, बी 1 मार्च 1987, दुधवा पार्क,
1 अप्रैल 1978 पेरियार, डी 1 मार्च 1982 इंद्रावली। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए, 1 अप्रैल 1973 कार्मनट नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 17, ओजोन परत सीधी प्रभावित हो रही है, ए ऑटोमोबाइल से, बी कारखानों से, सी सुपरसैनिक जेट से, डी उपर्युक्त कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी, सुपरसैनिक जेट से। क्वेश्चन नंबर 18, ऊर्जा का पिरामिड होता है, ए सीधा, बी उल्टा, सी उल्टा व सीधा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए, सीधा। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व में खाद्य समस्या का सबसे बड़ा पुंज है, ए वन विनाश, बी मृदा अपरदन, सी जनसंख्या वृद्धि, डी प्राकृतिक अपरदन। तो इसका राइट आंसर है सी, जनसंख्या वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 20, भूतापीय ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, ए ईंधन के दहन से, बी सूर्य की किरणों से, सी जंगलों से, डी भूतल के नीचे से। तो इसका राइट आंसर है डी, भूतल के नीचे से। क्वेश्चन नंबर 21, सर्वाधिक भूकंप किस देश में आते हैं, ए जापान, बी चीन, सी श्रीलंका, डी इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर है ए, जापान। क्वेश्चन नंबर 22, धूल के मुख्य प्रभाव क्या होते हैं, ए रंध्र खुलने का, बी श्वास संबंधी रोग, सी पत्ती का कुंडलित होना, डी पत्तियों का पीलापन। तो इसका राइट आंसर है ए, श्वास संबंधी रोग। क्वेश्चन नंबर 23, पेड़ की कटाई घटाती है, ए वर्षा, बी मृदा अपरदन, सी तूफान, डी भूस्खलन। तो इसका राइट आंसर है ए, वर्षा। स्वचालित वाहनों से होने वाला प्रदूषण है, ए वायु प्रदूषण, बी तापीय प्रदूषण, सी रेडियोधर्मी प्रदूषण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए, वायु प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय स्थित है, ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी चेन्नई। तो इसका राइट आंसर है ए, कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नांकित में से कौन प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है, ए खरगोश, बी बिच्छू, सी शेर, डी मेंढक। तो इसका राइट आंसर है ए, खरगोश। क्वेश्चन नंबर 27, स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा किस साल हुई, ए 1947, बी 1950, सी 1957, डी 1951। तो इसका राइट आंसर है सी, 1957। 28वां क्वेश्चन, पोषण स्तर किससे बने होते हैं, ए केवल पौधों से, बी केवल जंतुओं से, सी पौधों एवं शाकाहारी जीवों से, डी खाद्य श्रृंखला से जुड़े हुए जीवों से। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी, खाद्य श्रृंखला से जुड़े हुए जीवों से। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।